वेलकम टू माय चैनल हमारी डेली लाइफ। आज मैं आपको परिचय कराती हूँ अपने गार्डन से। वैसे तो मेरे पास पेड़ बहुत बड़े बड़े गार्डन में बहुत है, लेकिन फिर भी मैं मेरे बेटे को थोड़ा खास एक शौक है कि एक जगह रखना, तो आज उसी का थोड़ा गुड़ाई उड़ाई करना है, इसलिए मैं लगी हूँ कि चलो कर लेती हूँ और आप लोग से थोड़ा अपने पेड़ों का परिचय भी करवा देती हूँ। अभी यह देखिए, जैसे ये पेड़ है, ये है बरगद का, लेकिन इसको बहुत मेहनत लगाया मेरा बेटा, एक साल हो गया, एक साल से इसको तैयारी करवा रहा है। पहले ये छोटे गमले में रखा, उसके बाद इसको बड़े गमले में रखा। इसमें इसका खाद जो होता है ना, वो भी एकदम स्पेशल होता है। इसमें जैसे ईटा का भूरा और बालू को मतलब सैंड जो बोलते हैं, और खाद कोको का पाउडर रहता है, ऐसा कुछ सब मिला के तब वो डाला जाता है इसमें। उसके बाद पहले अंदर का ये रूट होता है, जो ये रूट को तैयार करते हैं। तो रूट तैयार हो गया, अभी जड़ देखिए इतना बड़ा हो गया है। अब इसको ये तैयार शुरू कर दिया है। तो अभी जैसे देखिए टहनियाँ बड़ी हो गई हैं, अब थोड़ा बाहर गया है, नहीं तो इसको फिर ऐसे फोड़ कर करके इसमें बांधेगा, क्योंकि और सब इसका तैयार हो चुका है, सिर्फ अब ये पत्तों का रह गया है मरम्मत। क्योंकि अभी इसको छोटे छोटे जब सब काट देगा बड़ा तक, इसमें से छोटे छोटे लीफ निकलेंगे, तो फिर ये बराबर जो चाहता है उस तरीके का ये पेड़ हो जाएगा। अगर आप बाहर में लेने जाओगे तो कम से कम नहीं तो 2000-2500 लग ही जाता है, लेकिन मेरा लड़का ये मतलब तो मेरा रोशन ये अपने खुद तैयार किया है घर पे, इसीलिए बहुत सेवा करना पड़ता है। और थोड़ा कटिंग शटिंग कर देती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे पत्ता सूख गया है इसका, तो बिना काटे बिना छाटे ये सब होता नहीं है बराबर। अब ये सब तो काटना जरूरी है, नहीं तो सूखा सूखा पत्ता रहता है ना, तो वो हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सबको थोड़ा मिट्टी ढीला करना रहता है, गोड़ दो। वैसे मैं 15-15 दिन पे गोड़ाई करती हूँ। दोनों हाथ चलता है, राइट भी लेफ्ट भी। पानी रोज नहीं डालना चाहिए, कब तुम गर्मी रहे तो डालो। अभी जैसे बरसात का मौसम आ गया था, अब तो ठंड आ रही है, तो अगर रोज पानी डालोगे आप तो पेड़ सब खराब हो जाता है। अभी जैसे देखिए पानी अब रोज तो डाल नहीं सकते, तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी तो हरा होना चाहिए। तो हम लोग अपना खुद से बनाए हैं, ये ऊपर का था और ये पानी इसमें मिला के थोड़ा सा केमिकल भी डालते हैं ताकि पत्तों की कीड़ा अपना लगे। और फिर ऐसे तो बर्गा मिट्टी निकल जाएगा और हरा भी रहेगा। मेरे बच्चों को पेड़ पौधे का बहुत शौक है, मुझे भी है।
मेरे बच्चों को बहुत पेड़ पौधों का शौक है, बेटी को, मेरे बेटा को, मुझे भी है पर उतना नहीं है। पर अब क्या हो गया कि बच्चों की वजह से धीरे धीरे जो आपको ना पसंद हो फिर भी पसंद तो हो जाता है धीरे। अगर मेरा गार्डन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, जो भी गलत सही हो उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू।